उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए 18 नवंबर को होगा मतदान। हरिद्वार महापौर पद के लिए चुनावी रण में उतरे 7 प्रत्याशी। उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव के तहत हरिद्वार नगर निगम से कुल 7 प्रत्याशी महापौर के चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं, जिनमें भाजपा से अन्नू कक्कड़, कांग्रेस से अनीता शर्मा, बसपा से निर्मला देवी, आम आदमी पार्टी से हेमा भंडारी, उत्तराखंड क्रांति दल से सरिता पुरोहित और उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक से संगीता बंसल एवं एक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है। हालांकि हरिद्वार की जनता का चुनाव और पार्टियों से प्रत्याशी के प्रति कैसा रुझान है, आइए सुनते हैं। हरिद्वार का मेयर ऐसा होना चाहिए जो हरिद्वार तीर्थ की मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हुए शहर का विकास कर सके। इसके अलावा मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था, पथ प्रकाश की व्यवस्था और जनता के हित के जितने भी कार्य हैं, उन सबको बिना किसी भेदभाव के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो करा सके, ऐसा मेयर हरिद्वार की जनता को चाहिए। हरिद्वार का चुनाव कई मुद्दों पर होने जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो चल रहा है इस टाइम, वो अतिक्रमण का है। अतिक्रमण के मामले को अगर हम सेकेंडरी भी रखें तो हरिद्वार के नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो भैया यहाँ पर अभी तक का जो नेतृत्व हरिद्वार में किया गया है वो बाहर के लोगों द्वारा किया गया है, जो हरिद्वार की सुविधाओं के लिए बिल्कुल भी सोच नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी विचार नहीं रखते हैं। हम हरिद्वार में चिकित्सा व्यवस्था को देख लें, शिक्षा व्यवस्था को देख लें, सभी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। हरिद्वार में शराबखोरी, वैश्यावृत्ति, ये सब बढ़ता जा रहा है। और बस अड्डा जो सबसे बड़ी सुविधा शहर हरिद्वार को है, उसको भी यहाँ से बाहर ले जाने की बात की जा रही है। मेरा निवेदन हरिद्वार की जनता से केवल इतना ही है, अपने सभी साथियों से केवल इतना ही है कि इन सभी मुद्दों को सोचते हुए वोट करें। सबसे पहली समस्या तो स्वच्छता है, साफ रहना चाहिए वार्ड। तो मेन मोटिव मेरा यही है कि मेरा वार्ड साफ रहना चाहिए। मेरे को किसी से ये मतलब नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी का या किसी का कुछ करना है, बस मेरा तो यह है कि वार्ड साफ रहना चाहिए। जो लीज की संपत्तियों को जो खुर्द बुर्द नगर निगम में इन 5 सालों में भाजपा के कार्यकाल में बोर्ड में हुआ, उन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। वार्ड महिला सीट है तो मेरी माताजी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और हमारा अभी भी डोर टू डोर कैंपेन जारी है। देखिए, निकाय चुनाव सिर पे हैं और घोषित हो चुके हैं और 18 तारीख को वोटिंग होनी है। 5 साल मैंने कांग्रेस में, मेरी पत्नी पार्षद थी, उस 5 सालों मैंने महसूस किया कि कांग्रेस में कोई माई बाप नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। जो लोग काम करना चाहते हैं वहाँ, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इतना दम घुट गया 5 साल में, मज़ा नहीं आया कि हम राजनीति में सेवा करने के लिए लोगों की आए और वो कोई दिशा नहीं दिखी। श्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषण में बहुत सुनता हूँ और कहीं ना कहीं मैं पहले शिवसेना में था तो सबसे पहले हृदय हमारा हिंदू है, हिंदू हृदय की तरह है। तो उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने मुझे मौका भी दिया। देखिए, चुनाव में जो है प्रत्याशी की यही रहती है बात कि प्रत्याशी ईमानदार हो और जनता के, वोटर के, मतदाताओं के करीबी हो, उनको समझने वाला हो, उनकी समस्याओं को सुनने वाला हो, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। और जो समस्याएं हैं वो विशेषता ये हैं कि शहर के अंदर इस समय सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि गलियों में जो है कूड़ों के ढेर नज़र आ रहे हैं, नालियों में गंदगी नज़र आ रही है। तो विशेषता जो है इस समय जो आवश्यकता है वो सफाई की आवश्यकता है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 18 नवंबर को मतदान होगा, जिसकी मतगणना 20 नवंबर को होगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, वैसे ही हरिद्वार नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कैमरा 24 के लिए हरिद्वार से सोमेश खत्री की रिपोर्ट।